हाय दोस्तों, मेरे साथ इस समय पूर्वी हैं जो गुजरात से आई हैं मेरे पास डेंटल इम्प्लांट्स के लिए। 28 साल की हैं और इन्होंने अपने कुछ दांत गवा दिए थे और जानना चाहता हूँ पूर्वी से। यस पूर्वी, बताइए अपना एक्सपीरियंस और अपने बारे में। जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा यहाँ पर आकर। मैंने फॉलोअप नहीं करवाया था, इस वजह से मेरे दांत काफी कॉम्प्रोमाइज थे और यहाँ आकर मेरे दांत काफी बेटर हो गए हैं। अभी हमने आपके अपर के 8 दांत निकाले थे और उसमें काफी इन्फेक्शन था, तो ये इन्फेक्शन कैसे हुआ? और लोअर में भी काफी इन्फेक्शन, अब लोअर की हम सर्जरी नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं, तो बताइए। जी, मेरा पेरियोडोंटल की वजह से हो गया था और फॉलोअप नहीं करवाए और चेकअप ना करवाने की वजह से वो बढ़ता चला गया और मैंने लोकल में दिखवाया था जहाँ मुझे सही इलाज नहीं मिल पाया, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे आके काफी आराम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ पेशेंट्स को, अगर पेरियो की आपको कोई भी इशू है, यू हैव टू ऑलवेज कंसल्ट अ पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट वो होता है जो गम स्पेशलिस्ट होता है, वो गम्स को पूरी तरह से जांच कर सकता है और उसको बाद फ्लैप सर्जरी हो या गम ग्राफ्टिंग हो या कोई भी गम्स की कोई भी समस्या हो तो आपको पेरियोडोंटिस्ट को ही कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल डेंटिस्ट उसको नहीं ट्रीट कर पाएगा अच्छी तरह से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये तारे कैसे, लोअर में भी आपने तारे लगाई थी तो वो मुझे बताइए प्लीज। जी, उसमें भी मूवमेंट था, इस वजह से मेरे लोकल डॉक्टर ने मुझे तारे दिया था जी, बट वो बेटर नहीं हो पाया और उसकी वजह से मेरे अपर टीथ में भी प्रॉब्लम हो गया। तो जब हमने डेंटल इम्प्लांट की, जब हमने दांत निकाला था आपका, मुझे याद है बहुत निराश थी आप, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड योर इमोशंस। तो जब उसके बाद जब सर्जरी की थी, उसके अगले दिन कैसा था, क्या लग रहा था, बताइए प्लीज, बी फ्रैंक। सर्जरी के अगले दिन मुझे मतलब स्वेलिंग थी काफी फेस में, बट ओवर द टाइम 3 दिनों में मुझे आराम मिल गया, आराम मिल गया। अब मैं बेहतर फील, काफी एंग्शियस थी आप और एक टाइम पे तो आप बिल्कुल ही डीमोरलाइज हो चुकी थी कि कैसे होगा क्या होगा, बट डीएसडी के माध्यम से जब हमने मॉकअप किया, प्लानिंग की और आपको सर्जरी के बाद, आज 5वां दिन है, आज हमने आपको जब कल दांत दिए थे मैंने आपको परमानेंट, तो कैसा लग रहा था उस समय? होप दोबारा से वापस आई देख के कि मैं अब दोबारा से स्माइल कर रही हूँ और कर पा रही हूँ। जी बिल्कुल, मेरी स्माइल बहुत बेहतर हो गई पहले से और इससे मेरा पूरा फेशियल फीचर इम्प्रूव हुआ है और मुझे देख के उससे कॉन्फिडेंस भी मिला है, तो मैं थैंकफुल हूँ आपको उस स्माइल देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। और उन पेशेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे अपने माध्यम से, बिकॉज पूर्वी आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती हैं, आप बहुत सारे करोड़ों लोगों को एक मैसेज दे सकती हैं और उनको भी एजुकेट कर सकती हैं, दैट इज व्हाई वी आर शूटिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो प्लीज बताइए उनको, आपको कुछ मैसेज देना है आपको? जी, मैं जो अभी भी 25-26 साल के हैं और गम्स की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं, कहीं ना कहीं मेरे पास आते रहते हैं बहुत सारे पेशेंट्स जो डिप्रेस्ड हैं, जो अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो प्लीज उनके लिए कुछ। जी बिल्कुल, गम डिजीज मेरे हिसाब से वन ऑफ द अंडररेटेड डिजीज है, इसको हम समझ नहीं पाते बट इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा हो जाता है अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी कि सही टाइम पे अपने डेंटिस्ट को, जिनको भी है, दिखाएं और सही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि सही ट्रीटमेंट लेने से ही सुधार हो सकता है। आएंगे अब सर्जरी के दौरान, सर्जरी के दौरान हमने गाइडेड सर्जरी की थी, आपको किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट रहा था? सर्जरी के दौरान मुझे कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं, बस स्वेलिंग हुई थी जो कि 2-3 दिन में ठीक हो गया था। तो पूर्वी एक और आशा, एक और होप और एक नई लाइफ के लिए आपको बेस्ट विशेस। और मैंने हमेशा बोला है कि जो ट्रीटमेंट है अब आपका शुरू होता है, अब आपको इसको मेंटेन रखना है और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही सदा स्माइल करती रहेंगी और अपना एक पॉजिटिव फीडबैक, अपना एक ऑनेस्ट फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक स्माइल करके दिखा दो फटाफट अपने पेशेंट्स को। यस, दैट इज अ स्माइल, या अरे प्लीज मैं आपके, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा जब आप स्माइल करते रहो, आई वॉन्ट टू सी योर स्माइल प्लीज। यस, बिकॉज और मेरे पास मेरे पेशेंट्स जो होते हैं ना, वो ये यही कहते हैं कि सर स्माइल करते हुए हमें देखना है पेशेंट को, तो एक बार उनके लिए स्माइल कर दो आज प्लीज। यस, सी हाउ गुड यू आर लुकिंग, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो विश यू ऑल द बेस्ट पूर्वी और बहुत बहुत आपको ब्लेसिंग्स और गुड विशेस, थैंक यू।